गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आयुष पुरोहित गुड़गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकबरी लोटा। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का पाठ जिसका नाम है अकबरी लोटा। लाला ज्यों को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठेठरी बाज़ार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। खाते अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। पर इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन 250 रुपये की मांग की पेशकश की तो उनका जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, अगर आप देने में असमर्थ हों तो मैं भाई से मांग लूँ। तो लाला जो झाऊ थे वो क्या थे, अच्छे पीते खाते पीते घर के इंसान थे। 100 रुपये नीचे काशी के ठेठरी बाज़ार में क्या था, उनका मकान था, और नीचे की दुकानों से क्या आता था, 100 रुपये उनका किराया आता था। पर कह रहे हैं कि 250 रुपये नीचे की दुकानों से 100 ही रुपये किराया आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो उन्हें देखने के लिए भी नहीं मिलते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की तो वह गुस्सा हो गए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अगर आप घबराइए मत, अगर आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊ तिलमिला उठे। उन्हें रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आत्व तत्पर 7 दिन से है या 7 वत्र से। लाला झाऊ रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, लेकिन 4 दिन जो के तू बीत गए, रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न प्रतिष्ठा का था, घर अपने ही घर में साग का था। देने का पक्का वादा करके अब ना दे सके तो वह मन में क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में अब क्या मूल्य रह जाएगा। वह सोचेगी कि सैकड़ों गाथाएँ सुना चुके थे, अब जो काम एक काम पड़ा तो चारों खाने चित रहे। यह पहली बार उसकी पत्नी ने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर क्या मुंह दिखलाएंगे। तो जो लाला झाऊ थे, एक पहली बार उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे तो उनकी पत्नी वो गुस्सा हो गए। अब उनकी पत्नी ने कहा, अब मैं अपने भाई से ले लूँगी। तो उन्होंने कहा, नहीं, 250 रुपये के लिए अपने भाई से क्या भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो उनकी पत्नी ने कहा, अजी मुझे इसी जन्म में चाहिए। तो उन्होंने कहा, अजी इसी हफ्ते ले लेना, यानी कि 7 दिनों के अंदर अपने पैसे मुझसे ले लेना। लेकिन पत्नी ने कहा, 7 दिनों से आपका क्या तात्पर्य है, 7 वर्ष या 7 दिन। तो लाला ने बड़े रौब से कहा कि 7 आज से 7वें दिन मुझसे पैसे ले लेना। 4 दिनों तक लाला को पैसे का कोई प्रबंध ना हो सका। फिर क्या हुआ, अब लाला को डर लगने लगा कि 4 दिन तो बीत गए, अगर ऐसे ही समय निकलता रहा तो क्या होगा। यह सवाल तो उनकी प्रतिष्ठा का था। अपने घर में वो ढेरों कथाएं सुना चुके थे अपने बारे में, अपने पैसे की, लेकिन अब पहली बार जब वो हुआ ऐसा, पत्नी ने पैसे मांगे तो वो पैसे ना दे पाए। खैर, एक दिन बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित विलासी मिश्र को अपनी आपदा सुनाई। संयोग से कुछ ऐसा बिगड़ा था कि विलासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं है, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर मिल गया तो शाम तक तुमसे मकान पर मिलूंगा। आज वही शाम थी, हफ्ते का अंतिम दिन। 250 रुपये या तो गिना देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। सच यह है कि कल 100 रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डमल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से झेऊ के मरोड़ पैदा हो जाती थी। तो कह रहे हैं कि 250 रुपये ना मिलने पर उनकी पत्नी उनको फांसी तो नहीं, ना मिलने पर उनकी पत्नी उन्हें फांसी तो नहीं देगी, सिर्फ हंस देगी। लेकिन क्या हुआ कि अगर पैसे ना मिले तो वह हंसी कैसी होगी, उस हंसी को सोच कर ही लाला जी घबरा रहे थे। आज पंडित जी को पैसे लेकर आना था, अगर वो ना आए तो क्या होगा। उसी उधेड़बुन में लाला जी छत पर टहल रहे थे, कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने लॉकर का आवाज़ दी,
नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई तो वह जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी, केवल लौटे पानी लिए प्रकट हुई। संयोग से लोटा भी वह बेढंगी सूरत के कारण लाला को सदा से नापसंद था। नया साल 2 साल का ही बना, ऐसे गड़न उस लोटे की थी, उसका बाप डमरू और माँ चिलमिला रही हो। तो कह रहे हैं लाला को वो लोटा भी पसंद नहीं था जिसमें उनकी पत्नी पानी लाई थी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसे ही सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो कैसा है। फिर उन्होंने सोचा लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अब भी चूँ करता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। तो लाला जी कह रहे हैं कि अगर अभी मैं चूँ चाँ करता हूँ तो मुझे अभी लोटे में पानी मिल रहा है खाने में, बाद में क्या होगा, बाद में कह रहे हैं कि क्या होगा, बाल्टी में भोजन मिलेगा। और बाल्टी में भोजन मिलना तो कोई अच्छी बात है नहीं बच्चों, है ना। तो क्या हुआ, लाला जी ने लोटा ले लिया, इसी वजह से वो कुछ नहीं बोले और अपना गुस्सा पी गए। अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए थे, खड़े खड़े ना पियो, सोते समय ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। उन्हें पता भी नहीं यह नियम बनाया कि नहीं, कि छत के मुंडेर के पास पानी खड़े होकर पियो या ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों का कहना कुछ नहीं है। लाला झाऊ ने मुश्किल से 1-2 घूंट पियो होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। तो क्या हुआ, लाला जी ने एक कह रहे थे कि क्या, बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं, खड़े होके पानी ना पियो, बैठ के पानी ना पियो, है ना, लेट के पानी ना पियो। तो इस कई तरीके से नियम बनाए हैं और लाला जी सोच रहे थे कि वो छत के पास खड़े होकर मुंडेर पे पानी पीने का नियम बनाना तो शायद भूल गए, है ना बच्चों। इसीलिए लाला जी ने थोड़ा ही पानी पिया और ना जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा गिर गया। उन्होंने दाएं देखा ना बाएं, वो अपनी गली की ओर चल पड़े। उल्का को लज्जाता हुआ आंखों से उजल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम की खुराबात पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की चीज ईजाद की थी, कहना ना होगा सारी समय लोटे के पक्ष में थी। तो क्या हुआ बच्चों, लाला जी के हाथ से जैसे ही लोटा छूटा तो वो नीचे गिर गया, है ना। लोटा जैसे ही नीचे गिरा तो क्या हुआ, लाला जी का लेखक कह रहे हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नाम की एक शक्ति है जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी खोज किसने की थी, लाला जी को। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊँचे तिमंजिल से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी का खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊ जब दौड़ कर नीचे उतरे तब उनके एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। तो क्या हुआ बच्चों, जब लाला जी के हाथ से लोटा गिरा तो लोटा कहाँ से गिरा, तिमंजिले से लोटा गिरा। अब लाला जी को क्या हुआ, अब उनको बुरा लगने लगा कि कहीं ये लोटा किसी आदमी के ऊपर गिर गया होगा तो क्या होगा। लाला जी फटाफट दौड़ के नीचे गए, जब तक वो नीचे पहुंचे तब तक ये भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला ने देखा कि भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ है और अपने हाथ पैर को हिलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उस अपराधी के पास लोटे को भी दिखलाकर लाला जी ने फौरन दो हाथ जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुबान के साहिबान से टकराया, वहाँ पर खड़े होकर टकराकर उसने अंग्रेज को सांगो स्नान कराया, फिर उसके बूट पर आ गिरा। तो क्या हुआ कि लाला जी का जो लोटा जो गिरा उनके हाथ से, पहले वो दुकान के ऊपर जो छज्जा होता है उस पर टकराया, फिर अंग्रेज के ऊपर पूरा पानी लोटे का गिर गया, ठीक है बच्चों, और फिर वो लोटा अंग्रेज के पैर पर आके गिरा। जब अंग्रेज को मालूम हुआ कि लाला ही लोटे के मालिक हैं तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला जी को आज भी यही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोष है, ठीक है।
तो इसी समय पंडित भीड़ को चीरते हुए मैदान में आंगन में आते हुए दिखे। उनने आते ही पहला यह काम किया, आंगन को छोड़कर जितने आगे आंगन में घुस आए हैं सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उसने साहब से कहा, शायद आपके पैर में कुछ चोट आ गई है, आप कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। तो लाला, तो क्या हुआ उस समय, जब जैसे ही लाला का पानी लोटा गिरा, पानी अंग्रेज के ऊपर गिरा और सारी भीड़ उनको वो डांटने के लिए, उनको फटकार लगाने के लिए वहाँ पर खड़ी थी, उतने में पंडित, उनके दोस्त पंडित जी आ गए और सारी भीड़ को उन्होंने हटा दिया, ठीक है, और सबको बाहर निकाल दिया केवल उस अंग्रेज को छोड़कर। फिर उन्होंने अंग्रेज से कहा कि आइए आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए, शायद आपके पैर पर कुछ चोट लगी है। तब लाला ने कहा कि आप इसे जानते हैं? उसने कहा नहीं नहीं मैं जानता नहीं हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, मेरी समझ में ही इस डेजरिक ल्यूनेटिक यानी खतरनाक पागल है। नहीं नहीं मेरी समझ में वो क्या है, ही इज अ डेजरस क्रिमिनल, नहीं नहीं खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला की आंखों में इस समय कहीं देखने के साथ खाने खोने की शक्ति भी खो दी थी। यह तो निश्चय है अब तक वो बिलासी को अपनी आंखों से खा चुके होते, कुछ समझ नहीं पाते थे बिलासी को क्या हो गया। साहब ने बिलासी से पूछा तो क्या करना चाहिए, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास में ही है, चलिए मैं बताता हूँ। चलिए अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो मैं इस लोटे को खरीद लूँ क्या? क्यों बेचेंगे, 50 रुपये इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊ तो चुप रहे, साहब ने लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। आश्चर्य में तो एक विग और शिक्षित आदमी समझता था, आखिर क्या बात है कुछ तो बताइए। तो क्या हुआ बच्चों, जो पंडित जी थे उन्होंने क्या बताया, अंग्रेज को बताया कि वो लोटा कैसा है, बहुत कि वो अंग्रेज को बताया कि लाला जी को कि लाला जी बहुत खतरनाक आदमी है और खूनी है। और उन्होंने लाला जी से क्या कहा कि इनकी रिपोर्ट पुलिस थाने, अंग्रेज से कहा कि इनकी रिपोर्ट पुलिस थाने में कर देनी चाहिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। और उन्हें अंग्रेज से कहा कि इस लोटे को आप खरीद लीजिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक लोटा मालूम होता है। ठीक है, तो अंग्रेज इस लोटे के 50 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। अंग्रेज ने कहा कि मैं इसके 50 रुपये दे दूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात है, जी हाँ जनाब, 16वीं सदी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर सिंध भागा था, सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर ब्राह्मण, उसकी प्यास से जान निकल रही थी, उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को ले लिया, इसके बदले में 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इससे इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। तो बच्चों क्या हुआ, जो लोटा लाला जी का था उन्होंने, तो पंडित जी ने किसको बताया, अंग्रेज को बताया लोटा बहुत प्रसिद्ध लोटा है। और कौन सा लोटा है, अकबरी लोटा है। बच्चों ये जो था, जब क्या हुआ, हुमायूं शेरशाह सूरी से हार कर भागा था और प्यास से उसकी जान निकल रही थी, तब एक ब्राह्मण ने उसे इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। बाद में कह रहे हैं कि अकबर ने उस लोटे को ब्राह्मण से ले लिया और बदले में 10 सोने के लोटे प्रदान किए। तो अकबर को यह लोटा बहुत प्यारा था, वह इसी का प्रयोग करता था। 57 तक शाही घराने में रहने का पता है, उसके बाद लापता हो गया था। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर मॉडल रखा हुआ है, पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। विवरण सुनते ही अंग्रेज की आंखों में लोग और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी से भरकर पकौड़ी के आकार की हो गई। तो आप इस लोटे का क्या करिएगा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिससे यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था मैं उस समय यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ मूर्तियों का खरीद रहा था। जो हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप इसे कैसे खरीदूंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है।
तो अंग्रेज ने कहा, जब अंग्रेज को पता चला ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, तो अंग्रेज ने सोचा मैं इसके मोटे दाम लूंगा म्यूजियम वालों से, क्योंकि म्यूजियम वालों के पास तो इसका प्लास्टिक वाला मॉडल है और इस ओरिजिनल मॉडल को मैं उनको देकर उनसे पैसे ले लूंगा, है ना। तो अंग्रेज ने कहा यह लोटा मैं खरीदूंगा और ये मेरा लोटा को खरीदना मेरा हक है, क्योंकि यह मेरे जरूर हक है। यह बताइए उस लोटे के पानी से स्नान किया आपने या मैंने? आपने। वह आपके पैरों के गिरा था या मेरे? मेरे। उसने आपका अंगूठा का भरता किया है? मेरा। आपका। इसीलिए इसको उसे खरीदना मेरा हक है। तो क्या हुआ बच्चों, जो लड़का था, आदमी था, उस अंग्रेज को क्या हुआ, अंग्रेज कहने लगा कि यह लोटे को खरीदना मेरा हक है, क्योंकि इस लोटे के पानी से मैंने स्नान किया है, ये लोटा मेरे पैर पर गिरा है और इस लोटे ने मेरे पैर के अंगूठे में भी काफ़ी गहरी चोट पहुंचाई है, ठीक है। तो पंडित जी कहते हैं सब बकवास है, मैं इस लोटे को खरीदूंगा और मैं इसके 100 रुपये देता हूँ, 150 रुपये देता हूँ। अंग्रेज 50 रुपये दे रहा था और उनने 150 दिया, तो उनने कहा मैं 200 देता हूँ, तो अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवा जी ने 250 का नोट लाला के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। तो बिलवाल जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं का लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर कहा यह लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं। तो क्या हुआ, अंग्रेज जब पहले पंडित जी ने 100 दिए, अंग्रेज ने 200 दिए, 50 दिए अंग्रेज, पंडित जी ने 150 दिए, फिर उनने 200 दिए, तो ऐसे करके नीलामी होने लगी। जब पंडित जी ने 250 रुपये दिए तो क्या हुआ, लाला जी ने अंग्रेज ने कितने रुपए दे दिए उन्हें? 500 रुपये दे दिए। तो लेकिन पंडित जी ने कहा मेरे पास 250 से अधिक नहीं है, यह लोटा आप ले जाइए, और पंडित जी ने अपने पैसे समेट लिए। ऐसा सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता कूच कर गई, उन्हें झपट कर लौटा हुआ ले लिया। अब मैं अपने देश लौटूंगा, और मेजर डगलक्स की डींग सुनते हुए मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलक्स कौन है? मेजर डगलक्स मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ें संग्रह करने में उनकी और मेरी हेड़ रहती है। वो गत वर्ष आए थे तो यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? जी हाँ, मेजर डगलक ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से अच्छी चीज़ ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा क्या है आप जानते होंगे। एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर मेरा कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? तो बच्चों क्या हुआ, जो मेजर डगलक्स हैं वो और ये जो अंग्रेज था, इन दोनों में होड़ लगी रहती थी कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें संग्रह कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जब तो मेजर क्या ले गए थे पिछली बार वहां से, जहांगीरी अंडा ले गए थे। तब वो बता रहे हैं कि जहांगीरी अंडा क्या होता है। फिर वो जहांगीरी अंडे की कहानी सुनाने लगे कि जिस कबूतर ने नूर जहां और जहांगीर का प्रेम कराया था उसके अंडे की वो बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। उस नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसने उसी क्षण अपने हाथ नूरजहां के आगे कर दिया, कबूतर का एहसास कभी नहीं भूला। उसके बाद अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा, एक बिलौर की हंडी में उसके नाम का उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था, यह बात है। हाँ अब मेरे लेकिन अब दून आगे दून नहीं ले जा सकते। अब यह मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से लोटा अंडे का बाप हुआ। तो क्या हुआ बच्चों, जो जहां वो बता रहे हैं उनने क्या हुआ, अंग्रेज को अंग्रेज कह रहा है कि वो जो लोटा है वो अंडे से कितना पुराना है, एक पुश्त पुराना, यानी कि एक पीढ़ी पुराना है। इस हिसाब से तो यह लोटा मेरा क्या है, उस अंडे का बाप है। लाला साहब ने लाला को 500 रुपये देकर रहा ली। राह पर इसका चेहरा ऐसे में देखने बनता था जैसे मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी और एक एक बाल प्रसन्नता के मारे लहरा रहा हो।
तो उनने कहा, बिलवाल जी आप मेरे लिए 250 रुपये लेकर आए थे, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए। पर आप कहाँ चले, मुझे अभी काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, अब मैं अभी आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगकर धन्यवाद दूंगा, इसमें भी 1 घंटा लगेगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए। अगर रुपया अपना हो तो उसे सहेजना ऐसा मनमोहक कार्य है, मनुष्य सहज में तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊ ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, बिलवाल जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस रात बिलवाल जी देर तक नींद नहीं आई, वे चादर पर चारपाई लपेटे पकड़े रहे। एक बजे उठे, धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से सोने की सलगंडी निकाली, एक ताली बधी हुई थी, और उसके कमर में जाकर से संदूक निकाला और 250 का नोट ज्यों का त्यों रखकर उसमें बंद कर दिया। फिर दबे ताले लौटकर अपने पूर्वत पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। तो क्या हुआ बच्चों, जो बिलवासी जी थे, उन्होंने क्या करा था? अपनी पत्नी के पास से 250 रुपये चोरे थे, और वो चोर करके उन्होंने क्या करा था? लेकिन बाद में जब उन्हें उस लाला जी को 500 रुपये मिल गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी के 250 रुपये वहीं रख दिए जहाँ से उन्होंने उठाए थे, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन से सोए। तो बच्चों हुआ ये कि उन्होंने जब अपने पैसे अपनी पत्नी के पैसे वहाँ रख दिए थे, तो वे चैन से सो गए, क्योंकि उन्हें क्या लगा, उन्हें अच्छा लगा कि अब उन्होंने क्या कर दिया है, वो जो पैसे उन्हें लिए थे अपनी पत्नी के पास से, वो पैसे उन्होंने वापस रख दिए हैं। अन्नपूर्ण आनंद वर्मा। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है, अकबरी लोटा। मैं आयुष पुरोहित इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ, हम फिर मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।